वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरतेहाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हंगामी मशावरती इजलास तलब किया, जिसमें विफाकी वज़रा और पीटीआई के सीनियर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरतेहाल और ईरानी हममनसब से होने वाली बातचीत से आगाह किया। इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करेगा और अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। मशावरती इजलास में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल में पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया और मुल्की सियासी और माशी सूरतेहाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि नए साल में हुकूमती अहदाफ और तरजीहात पर भी तबादला ख्याल हुआ। कीमतों में कंट्रोल से मुतालिक हुकूमती इकदामात और फैसलों से मुतालिक बात की गई।